पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती विदिशा पहुंची, जहां उन्होंने नंदवाना स्थित राधा रानी के मंदिर में पहुंचकर दर्शन और भजन कीर्तन किए। उमा भारती ने कहा कि राधा रानी की वजह से ही विदिशा की चारों तरफ पहचान है। विदिशा के नंदवाना में राधा रानी का एक अति प्राचीन मंदिर स्थापित है, जो साल में सिर्फ राधा अष्टमी पर एक बार ही दर्शन के लिए खोला जाता है। बाकी पूरे साल गुप्त रूप से मंदिर में पूजा अर्चना होती है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने विदिशा पहुंचकर राधा रानी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण पिछली बार वे बरसाना नहीं जा पाई थी, जब उन्हें विदिशा में राधा रानी के ठीक उसी प्रकार के दिव्य रूप के दर्शन मिलने की उम्मीद दिखी तो वे यहाँ आई। उन्होंने ये भी कहा कि विदिशा धन्य धान्य धार्मिक आस्था और राजनीतिक रूप से देश में अपनी अलग पहचान रखता है। संभव है कि राधा रानी के प्रभाव से ही विदिशा की पहचान चारों तरफ फैली है। अच्छा, मस्ती और मुझसे। कौन कहता है पनीर सीधा साधा होता है? ये ना तो सीधा है ना सादा, चटपटा है। नया मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, स्पाइस इन्फ्यूज्ड पनीर, खाओ कभी भी कहीं भी। मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, पनीर पे अब मस्ती चढ़ गई। एपेक्स बैंक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, समृद्धि आपकी, योजनाएं हमारी। वाहन ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, भ्रमण ऋण, उच्च शिक्षा ऋण, व्यापारियों को साख सीमा ऋण, त्योहार ऋण, चिकित्सा ऋण, परियोजना उपभोक्ता ऋण, आभूषणों के तारण पर ऋण, अचल संपत्ति के बंधक पर ऋण, क्यों देखें महज सपने, आइए करें उनको साकार। केंद्र, राज्य शासन, शासकीय निगम, मंडल बोर्ड, समस्त सहकारी बैंकों, संस्थानों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए उपरोक्त समस्त ऋण रियायती ब्याज दर मात्र 8% पर ऋण सुविधा उपलब्ध। वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर 1% अधिक ब्याज। सुविधा का लाभ लेने के लिए नजदीकी एपेक्स बैंक की शाखा में संपर्क करें। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।